हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा मोटिक। आज दोस्तों आपको पटेला सलवार की कटिंग करना सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अगर आपको कुछ डाउट लगे या आपको कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और पटेला सलवार का नाप दोस्तों, लेंथ इसकी 40 इंच है, मोहरी दोस्तों 6.5 इंच, ये भी बेल्ट वाली सलवार है हमारी, 24 इंच बेल्ट है। अब दोस्तों आपको कपड़ा समझाते हैं कितना है और फिर इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा कपड़ा है, ये दोस्तों 4.25 मीटर कपड़ा है हमारा। 3.5 मीटर कपड़े में भी दोस्तों कटिंग हो जाती है अच्छी पटियाला सलवार की, लेकिन हम आपको 4.25 मीटर में पटियाला सलवार की कटिंग करके दिखाएंगे। ये दोस्तों हमारा धूम कपड़ा है। आप दोस्तों पटियाला सलवार की कटिंग करें तो लीजी बीजी ही कपड़ा लें एकदम, जिसमें हमारी फॉल अच्छी आती है। पटियाला सलवार की कटिंग करके दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपको जमीन पे। ये दोस्तों हमारा कपड़ा है। अब इस तरीके से कपड़े को अच्छे से बिछाते हैं जमीन पर। सेमी पटियाला दोस्तों मैंने आपको काउंटर पर कटिंग करके दिखाया है, लेकिन आप जैसे मैं पटियाला सलवार जमीन पर कटिंग करके दिखा रहा हूँ उसी तरीके से बिछा के सेमी पटियाला कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से बिछाएंगे। और दोस्तों हमने डबल में फोल्ड कर रखा है इस तरीके से। ये दोस्तों किनारी हमने अपनी तरफ बिछा रखी है। जैसे कटिंग हमने समय पटियाले करी थी उसी तरीके से दोस्तों कटिंग होगी, थोड़ी सी अलग होगी। इसे दोस्तों हमने कपड़ा बिछा लिया ऊपर पूरा एक जैसा। ये दोस्तों हमने कपड़ा बिछा लिया है डबल तह में। ये दोस्तों एक किनारी ये है हमारी और एक किनारी ये है, तो दोनों किनारे हमने अपनी तरफ कर रखी है। अब इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ से दोस्तों ये फोल्डिंग जो करेंगे वो करेंगे दोस्तों 6 इंच की। ये दोस्तों जो हमने फोल्डिंग करी है ये फोल्ड करा दोस्तों 6 इंच का। 6 इंच हमारा इधर से है और 6 इंच दोस्तों हमारा इधर से है, थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से हम पूरी पट्टी एक जैसी फोल्ड कर लेंगे, 6 इंच भी हमारा इधर से हो गया। अब दोस्तों ये हमारा जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा है इसे एकदम सीधा कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों अच्छे से कटिंग करेंगे, कपड़े को ज़्यादा आड़ा टेढ़ा कटिंग नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने एक जैसा कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों इंच टेप रखेंगे 5 इंच पे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी दोस्तों पटियाला सलवार की 40 इंच, तो 40 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ से दोस्तों इंच टेप की मदद से इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे। और दोस्तों हमारी मोहरी है इसकी 6.5 इंच, तो 7 इंच पे इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच आगे बढ़ा के इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरीके से कर लेंगे सीधा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से दोस्तों ये चीज़ दोस्तों ये है, यहाँ से दोस्तों हम 17 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से, 17 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने निशान जो कंप्लीट करा है यहाँ पर इंच टेप इस तरीके से रखेंगे और यहाँ तक इंच टेप इस तरीके से मिला लेंगे इस निशान तक, और इसको इस तरीके से निशान उठा लेंगे इंच टेप के बराबर से, इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसे कर देंगे कटिंग, यहाँ से एकदम सीधा कटिंग करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों जो निशान लगाया था उस पर कटिंग करें। और हमारा दोस्तों फोल्ड है, यहाँ पर एक कुटका का निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इधर भी एक कुटका लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इस पल्ले को हम हटाएंगे और कपड़ा दोबारा से बिछाएंगे, इसे फोल्ड कर लेते हैं। और ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है और इसको अच्छे से इस तरीके से बिछा लेंगे, इसको अच्छे से इस तरीके से बिछा लेंगे। और दोस्तों किनारी हमारी एक जैसी आपस में ही मिलनी चाहिए। ये दोस्तों हमने कपड़ा बिछा लिया है और जो हमने कपड़ा कटिंग करा था इसे इस तरीके से उठाएंगे, और जिधर हमने दोस्तों किनारी फोल्ड करी थी उस कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे दोस्तों,
और ये हमने जो कुटका लगाए थे और जैसे हमने सेमी पटियाला में सिखाया था दोस्तों उसी तरीके से आधे इंच इस तरीके से नीचे मिलाना है एकदम अच्छे से। ये हमारा कुटके का निशान है और यहाँ पर दोस्तों ये आधा इंच लगा के निशान इस तरीके से कुटका सेम टू सेम यहाँ पर मिला लेंगे और इसी तरह ऊपर भी मिला लेंगे ऐसे दोस्तों जैसे हमने नीचे मिलाया है इसी तरीके से ऊपर से मिला लेंगे और इस कपड़े को बराबर से रखेंगे इस कपड़े के नीचे वाले कपड़े के बराबर एकदम अच्छे से और ऐसे ऊपर से भी मिला लेंगे इस तरीके से कपड़े को पूरा एकदम एक जैसा सेट कर से नीचे से बराबर से कटिंग कर देंगे ठीक है। और ये हमारा हल्का फुल्का सा आड़ा टेढ़ा सा है तो हम इसे भी एकदम सीधा कटिंग कर देंगे। इसका लेकर अच्छे से कटिंग कर लेंगे ठीक है दोस्तों। इसका लेकर हमने कटिंग कर लिया। अभी हमारा जो कपड़ा बिछा हुआ है इसके बराबर से ये कपड़ा कटिंग कर लेंगे। यहां तक ये कपड़ा दोस्तों हमने कटिंग कर लिया एकदम बराबर से। और दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ये दोस्तों हमारा कपड़ा बचा हुआ है, ये दोस्तों इधर हम बैंड कटिंग करेंगे। अब इस तरीके से दोस्तों हमारी बैंड है 24 इंच की, तो दोस्तों हम 24 इंच ना बना के 23 इंच तैयार बैंड बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 23 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और एक इंच दोस्तों आगे बढ़ा के इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से 9 इंच नापेंगे दोस्तों, ये हमारी किनारी है, किनारे से ही 9 इंच इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरीके से किनारे से 9 इंच यहाँ पर नापेंगे और 9 इंच यहाँ पर भी, यानी कि एक जैसा पूरा 9 इंच नाप लेंगे और इंची टेप इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी लगा लेंगे निशान। अब यहाँ से दोस्तों जो एक इंच हमने आगे बढ़ा के निशान लगाया था इस पर कटिंग करेंगे एकदम सीधा इस निशान तक, और यहाँ पर 23 इंच पे हमने जो निशान लगाया था इसे कटिंग करेंगे एकदम सीधा और इस निशान पे सीधा कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारी बेल्ट कटिंग हो गई है 24 इंच तैयार बेल्ट कटिंग हो गई है और हमारी बनके 23 इंच तैयार आ जाएगी। इस पे हम बेल्ट लिख लेते हैं 23 इंच, हमारी जो नाप लिया है उसमें दोस्तों हमारी बेल्ट है 24 इंच जो हमने आपको नाप से बताया है, लेकिन हम दोस्तों एक इंच कम कटिंग करेंगे बेल्ट ठीक है। ये हमारी बेल्ट कटिंग हो गई। अब यहाँ से ये कपड़ा जॉइंट है इसको इस तरीके से कटिंग कर देंगे एकदम सीधा और यहाँ से ये कटिंग कर लेंगे और ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है दोस्तों इसके बराबर से कटिंग कर देंगे। ये दोस्तों हमारा कपड़ा कटिंग हो गया। अब दोस्तों इधर ही हमारा कपड़ा बचा है इतना, अब इसको इस तरीके से, ये हमारा डबल में फोल्ड है, ये हमारा दोस्तों डबल में फोल्ड है इसी तरीके से इसको जबर में फोल्ड करेंगे इस तरीके से दोस्तों, इसको इस तरीके से रखेंगे कपड़े को बंद रखेंगे ऊपर वाली साइड ठीक है। ये चारों पीस दोस्तों हमारे ओपन साइड नीचे की तरफ रखेंगे और हम बंद साइड रखेंगे और नीचे हमने ये ओपन साइड रख लिया है। अब इसको आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे कपड़े के ऊपर इस तरीके से दोस्तों, आधा इंच ऊपर चढ़ा के रखेंगे और दोस्तों यहाँ से हम आसन रखेंगे, आसन रखेंगे दोस्तों 10.5 इंच का, 10.5 पे निशान लगाएंगे एक और यहाँ से दोस्तों इंची टेप इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, ये निशान लगा दिया और इसको कर लेंगे कटिंग। ये दोस्तों हमारी कली कटिंग हो गई, एक कुटका यहाँ पर लगाएंगे
और एक कुटका यहाँ पर लगाएंगे। और दोस्तों इधर हमारा ये बंद साइड है तो इसको कटिंग कर देंगे, इस तरीके से कटिंग करेंगे अच्छे से। और इसको फिर दोबारा इसी तरीके से बिछा देंगे। ये दोस्तों हमारा इधर हमारा आसन की तरफ बंद है और इधर एक कली ये हो गई दोस्तों और एक कली ये हो गई, दो कली हमारी ये हो गई और एक कली दोस्तों ये है और एक कली ये है, ये हमारी चार कली हो गई। ठीक है, ये चार पल्ले हो गए हमारे, ये हमारी पटियाला सलवार कटिंग हो गई। अब काउंटर पे चलते हैं और आपको बिछा के दिखाते हैं। ये हमने पटियाला सलवार कटिंग करके बिछा लिए काउंटर पे। अब दोस्तों इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी बेल्ट है और ये हमारा खर्चा बचा है, ये एक पीस हमारा बचा हुआ है, इसमें दोस्तों हमारी पैचे वगैरह बन जाएंगे। और ये हमारा इतना कपड़ा बचा है, इसमें जितना कपड़ा था दोस्तों 4.25 मीटर कपड़ा था हमारा, तो हमने सारे कपड़े की आपको पटियाला सलवार कटिंग करके दिखा दी। इसकी स्टिचिंग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे रहे। अगर दोस्तों आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें, हम कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।